Hey friends, search for TSP Education Hub. Subscribe to my channel and press the bell icon. Select all to get notification of my videos. Hello, Namaste Adab. I am Taslima and you are on my channel TSP Education Hub. फ्रेंड्स आज हम पिक्चर कॉम्पोजिशन करने वाले हैं इस पिक्चर पे हम फाइव टू एट सेंटेंसेस लिखेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स पिक्चर कॉम्पोजिशन के सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देती हूँ ये रूल्स अगर आप सीख जाएंगे तो आप कोई भी पिक्चर कॉम्पोजिशन आसानी से लिख लेंगे तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपको इज या आर वर्ड्स यूज़ करने हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके साथ जो भी आप वर्ब लगाएंगे मेन वर्ब उसमें आई एन जी इन फॉर्म यूज़ करना है यानी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए सेकेंडली सेंटेंसेस में आप प्रेपोजिशंस को प्रॉपरली यूज़ करेंगे जैसे इन ऑन नियर फार अंडर अब ये सारे वर्ड्स को बहुत ध्यान से और बहुत ही समझदारी से आपको यूज़ करना है थर्डली लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पंचुएशंस का ध्यान रखना जैसे कि आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से एन में लगाएंगे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क अगर कोई क्वेश्चन है अगर दो चीज़ या दो इंसान के बारे में बात हो रही है तो बीच में लगेगा एंड दो से ज़्यादा के बारे में बात होगी तो आप कॉमा लगाएंगे अगर कोई प्रॉपर नाउन आप यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में जैसे किसी का नाम गीता सरिता विनोद इस टाइप के प्रॉपर नेम्स आप लिख रहे हैं तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा आप सिर्फ तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एक अच्छा पिक्चर कॉम्पोजिशन प्रिपेयर कर सकते हैं चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके सेंटेंसेस फ्रेम करना जब आप फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करें तब ध्यान रखें कि जिस जगह की पिक्चर है उसके बारे में लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पार्क जब सेकेंड सेंटेंस लिखने जाएं तो ध्यान रखें एक एक कैरेक्टर को चूज करके एक एक के बारे में हमें लिखना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस फ्रेम कर सकें तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस में लिख सकते हैं टू बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पर दो लड़कों की बात हो रही है इसलिए हमने आर यूज किया है और वर्ब के साथ आई एन जी इंग प्लेइंग थर्ड सेंटेंस देखते हैं अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग इस सेंटेंस में हम एक लड़की की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इज इस यूज किया है आर नहीं चलते हैं हमारे फोर्थ सेंटेंस की तरफ अनदर गर्ल इज़ पेंटिंग नियर द ट्री यहाँ पे हमने अनदर वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये एक दूसरी लड़की है जो पेंटिंग कर रही है और ये ट्री के पास बैठकर पेंट कर रही है इसलिए हमने यहाँ पे प्रपोजिशन भी यूज़ किया है नियर इस तरह से आप नियर फार ऑन इन फ्रॉम ये सारे प्रपोजिशंस भी यूज कर सकते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन में अ बॉय इज रीडिंग बुक अंडर द ट्री यहां पे प्रपोजिशन अंडर यूज किया है मैंने क्योंकि वो ट्री के जस्ट नीचे बैठकर बुक पढ़ रहा है सेंटेंस नंबर सिक्स वन बॉय इज सीइंग थ्रू हिज बाइनोकुलर्स From द ट्री दूरबीन को बायनोकुलर्स बोला जाता है तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि वन बॉय इज़ सीइंग थ्रू हिज़ बायनोकुलर्स फ्रॉम द ट्री ट्री से बैठकर देख रहा है अब जब आपने सारे कैरेक्टर्स कवर कर लिए तो हम देखेंगे कि और कौन सी चीज़ बची है जिसके बारे में हमने नहीं बोला है या नहीं लिखा है तो यहाँ पे ट्रीज हैं दो ट्रीज हैं जिनके बारे में हम लिख सकते हैं तो हमारा सेवेंथ सेंटेंस ये होगा आर टू बिग ट्रीज सेंटेंस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो पिक्चर को और ध्यान से देखिए कि हम और क्या सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं तो वहां पे एक बिल्डिंग दिख रही है उसके बारे में लिखते हैं सेंटेंस नंबर एट देयर इज येलो बिल्डिंग नियर द पार्क तो देखा फ्रेंड्स आपने हमने ये छोटे से सिंपल से पिक्चर से ही एट सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही सिंपल सिंपल पिक्चर्स लीजिए और अपने बच्चों को पिक्चर कॉम्पोजिशन करवाइए सिर्फ तीन बेसिक रूल्स फॉलो करिए और फिर देखिए कि आप भी कैसे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस प्रिपेयर करवा पाते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आइकन प्रेस कर दीजिए थैंक यू